दोस्तों, आप टीवी पे कुछ अपना फेवरेट चैनल देख रहे हो और सडनली आपका भाई आए, बहन आए, कोई रिश्तेदार आए और वो चैनल चेंज कर दे। अब आपको कैसा लगेगा? आपको बहुत बुरा लगेगा। आपको लगेगा कि भाई ये ऐसे क्यों किया है इसने, जो मैं देख रहा था वो मेरी पसंद का था, मुझे वैसे ही बनाना चाहिए था। तो दोस्तों, अगर आप इतनी छोटी सी चीज़ के लिए इतना सोच सकते हो कि मेरे हिसाब से चलना चाहिए, तो आप अपनी लाइफ का कंट्रोल दूसरे के हाथ में कैसे दे देते हो? आप जो बहुत ज्यादा मेहनत करते हो, तो आप कैसे सारी की सारी चीजें अपने बॉस पे छोड़ देते हो कि वो जो फीडबैक देगा उसके हिसाब से मैं खुश होऊंगा या दुखी होऊंगा? अगर आपने मेहनत करी है तो आपने कुछ ना कुछ लर्न किया है, अगर आपने मेहनत करी है तो आपने कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस गेन किया है। और वैसे ही अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी कोई काम कर रहे हो जिससे आपको खुशी मिल रही है, तो आप कैसे दूसरे के फीडबैक पे उन सारी खुशियों को एक मिनट में खो सकते हो? दोस्तों, हमेशा याद रखो, दूसरा व्यक्ति जब आपकी लाइफ का कंट्रोल ले लेता है तो आपकी लाइफ में वो वही चीज़ करता है जो उसके हिसाब से अच्छी होती है। मान लो वो अपनी लाइफ में ज़्यादा खुश नहीं है, तो वो आपको ऐसा कोई मौका नहीं देगा जिससे आप खुश हों, जिससे आप हंसे। अगर आप हंसोगे तो उसे दुख होगा। अगर उसकी लाइफ में स्ट्रेस है तो वो पूरी कोशिश करेगा कि आपकी लाइफ उसकी लाइफ के साथ में मैच करे, और ये बहुत जल्दी हो भी जाएगा क्योंकि आपने अपनी लाइफ का कंट्रोल दूसरे के हाथों में दे दिया है। तो कभी भी अपनी लाइफ का कंट्रोल किसी दूसरे के हाथ में मत दो, अपने ही हाथ में रखो, क्योंकि अल्टीमेटली आपको पता है कि आपके लिए क्या अच्छा है, आपके लिए कौन सी चीज़ें खुशी आपको देती हैं, आपके लिए कौन सी चीज़ें बेहतर हैं। तो दोस्तों, अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में रखो और अपनी खुशियों को अपने साथ बढ़ाते जाओ, अपनी फैमिली की खुशियों को अपने साथ में बढ़ाते जाओ। थैंक यू सो मच।